अयोध्या से आए पीले चावल और पत्रक वितरण का शुभारंभ अब शुरू हो गया है। इसके साथ ही इस अवसर पर राम भक्तों में हर्षोल्लास देखने को मिल रहा। इसी कड़ी में मयूर विहार के SFS फ्लैट्स में रहने वाले स्थानीय घरों में अक्षतों के साथ निमंत्रण पत्र भेज रहे हैं, जिनसे मौके पर बातचीत कर रही है हमारी संवाददाता रिया राय। अयोध्या में राम मंदिर को लेकर तैयारियां एकदम अंतिम चरण पर आ चुकी हैं। भगवान राम के दर्शन को लेकर, उनके आगमन को लेकर देश भर में हर्षोल्लास देखा जा रहा है। आपको बता दूं कि इसमें रामलला को लेकर जो भूमिका है वो जन जन तक पहुंच रही है, अपना उत्साह जाहिर किया जा रहा है। हालांकि जिस तरीके से लगातार आप सुन रहे हैं कि अयोध्या से आए हुए जो अक्षत हैं उनको लोगों के बीच में, जन जन के बीच में पहुंचाया जा रहा है, संदेश दिया जा रहा है कि कैसे उनका महत्व है और अपनी भागीदारी को रामलला के आगमन के दिन, यानी कि जब वो विराजेंगे अयोध्या के राम मंदिर में, जिसका इंतजार पिछले कई सालों से था, तो उस वक्त किस तरीके का उत्साह लोगों के बीच में होगा। मंदिर के पुजारी जी हमारे साथ हैं, क्या कहना चाहेंगे, इससे क्या संकेत देंगे और किस तरीके से तमाम तैयारियां कर रहे हैं? जय श्री राम। पूरे देशवासियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं इस उपलक्ष की। काफी इंतजार के बाद ये घड़ी आई है हम लोगों की। तो संदेश यही है जनमानस तक कि पूरा वातावरण राममय हो 22 तारीख को। और आप देखते हैं ये पूजित अक्षत जो है अयोध्या जी से आए हुए हैं, पूरे जनसमूह में, ये घर घर में ये बांटे जा रहे हैं। उसी की एक प्रक्रिया हमारे सनातन धर्म मंदिर मयूर विहार फेस्ट्री SFS फ्लैट में दिल्ली में हो रहा है जी। उस एनवेलप में क्या क्या लिखा है जो ये निमंत्रण पत्र तैयार किया गया है, किस तरीके से तैयार किया गया? देखिये, एक तो मंदिर की पूरी भूमिका है, जैसे कैसे बनेगा वो मंदिर, कितनी उसकी ऊंचाई रहेगी, लंबाई रहेगी, कितने तल का बनेगा, क्योंकि गर्भगृह से लेके शिखर तक का, जो गर्भगृह से लेके शिखर तक का जो बनावट है उसके बारे में जनमानस तक पहुंचाना, उनकी जानकारी देना, क्योंकि हर व्यक्ति तो अभी पहुंच नहीं पाएगा वहां। तो इसलिए इस चित्र के साथ, इस राम मंदिर के चित्र के साथ इस भूमिका को पूरा बताया गया। और 22 तारीख की जितने डिटेल है, आपको क्या करना है, कैसे करना है, कैसे सजाना है, कैसे अपने नजदीक के देव मंदिरों में जाके आपने उपासना करनी है, तो 22 तारीख का वो जो इस मंदिर में भी मध्याह्न काल का, यानी अभिजित मुहूर्त में से भी अभिजित है, यानी बहुत 15-20 मिनट का जो विशेष मुहूर्त है जिसमें वो स्थापना होनी है, तो 11 बजे से 1 बजे तक इस सनातन धर्म मंदिर के परिसर में भी भव्य आयोजन होगा, भजन कीर्तन आदि आदि, उसके पश्चात प्रसाद भंडारा वितरण आदि सब कुछ आयोजन जो पूरे देश में हो रहा है वही इस हमारे इस परिसर में भी हो जाएगा। देखिए, अक्षत हैं जो घरों घरों तक पहुंचाए जा रहे हैं, तमाम महिलाएं यहां पर हैं, पैकेजिंग कर रही हैं। मैम, कब से आप लोगों ने शुरुआत की है और अब तक? 5 दिन से। हाँ जी, हाँ जी। किस तरीके से तैयारी कर रही हैं? हम लोग जैसे अक्षत भर रहे, पहले तो अक्षत भर रहे लिफाफे में, उसके बाद सब पैकिंग कर रहे हैं, इसमें हम मंदिर का तस्वीर है वो डाल रहे हैं, जो पंपलेट ये निमंत्रण का आया है ये डाल रहे हैं, और एक पैकेट अक्षत का डाल रहे हैं और घर घर जाकर दे के आ रहे हैं। वैसे कितनी ये जो अक्षत आए हैं, कहाँ से आए हैं? और अयोध्या जी से आए हैं। अयोध्या से आए? हाँ जी, हाँ जी। अब तक कितनी पैकिंग की है? हम लोगों ने 1000 कर चुके हैं। घरों में जाकर कैसे वितरण कर रहे हैं? घर में हम लोग 5-5 का ग्रुप बना करके जा रहे हैं, सबके घर घर जाके दे के आ रहे हैं। किस प्रकार से निमंत्रण दे रहे हैं? निमंत्रण किस प्रकार से दे रहे हैं? हम घर घर पे जाके जय श्री राम का नारे लगा के और ये बांट रहे हैं, भजन बोल रहे हैं सब इकट्ठे, यही कर रहे हैं। वैसे पीले पीले चावल हैं जिन्हें रंगा गया है, इनका क्या महत्व? ये जैसे कि कोई शुभ काम होता है तब हम हिंदू धर्म में उसको घर घर पहुंचाते हैं, निमंत्रण के रूप में हम इन्हें अक्षत हैं ये हमारे, हम इनको घर घर दे के आते हैं। अक्षत का मतलब होता है जो क्षत ना हो, जो क्षति ना हो और जो क्षय ना हो। तो अक्षत का मतलब ये जिस घर में पूजा स्थली में आप रखेंगे आपके घर में कोई क्षति नहीं होगी, किसी भी प्रकार की क्षति नहीं होगी, वृद्धि होगी। तो उसका प्रतीक ये पूजित अक्षत है जो हम घर घर में वितरित कर रहे हैं। लोगों के बीच जा रहे हैं, वो कैसी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं? वो बहुत अच्छा प्रतिक्रिया दे रहे हैं, वो तो बहुत मतलब चप्पल उतार करके भी ले रहे हैं, लिफाफे को चप्पल उतार करके फिर आराम से हाथ जोड़ करके ले रहे हैं और बहुत खुश हो रहे हैं कि हमें ऐसा मौका मिला है। कुछ भजन भी तैयार किए हैं आप लोगों ने? मेरे हैं पीले चावल घर घर जगाने को भेज रहे हैं, पीले चावल घर घर अलख जगाने को मंदिर में प्रा...
प्राण प्रतिष्ठा न्योता सबका आने को मंदिर में है प्राण प्रतिष्ठा न्योता सबका आने को 2024 का ये वर्ष खुशियाँ लेकर आया है 2024 का ये वर्ष खुशियाँ लेकर जन जन के भगवान राम ने अब अपना घर बनवाया है जन जन के भगवान राम ने अपना घर अब पाया है अब तक था त्रिपाल शीश पर उससे मुक्ति दिलाने को मंदिर में है प्राण प्रतिष्ठा जोता सबका आने को पीले चावल भेज रहे हैं घर घर अलख जगाने को पीले चावल भेज रहे हैं घर घर अलख जगाने को घर चावल घर घर अलख जगाने को भेज रहे हैं पीले चावल घर घर अलख जगाने को देखिए इस वक्त न सिर्फ राजधानी दिल्ली के मंदिरों में बल्कि जगह जगह पर इस तरीके की जो तैयारियां हैं वो भगवान राम के आगमन को लेकर और अयोध्या के राम मंदिर में उनकी स्थापना को लेकर देखा जा रहा है। कैमरा पर्सन मनोज कोहली के साथ मैं रिया टोटल टीवी दिल्ली।